नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम जी। यहाँ पेश है शुक्रवार 22 जुलाई राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश विदेश की दो बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर, सोनिया गांधी से 3 घंटे हुई पूछताछ, 25 को एक बार फिर बुलाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष ईडी से बोली, पूछिए कितने सवाल पूछने हैं, रात के 8-9 बजे तक मैं रुकने को तैयार हूँ। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करीब 3 घंटे कल पूछताछ की है। सोनिया को फिर से पूछताछ के लिए 25 जुलाई को बुलाया गया है। कल देर रात सोनिया गांधी से भी लगभग वही सवाल पूछे गए हैं जो ईडी अधिकारियों ने राहुल गांधी से पूछे थे। सूत्रों के मुताबिक सोनिया से 25 से अधिक सवाल पूछे गए, जिसके बाद उन्होंने अपनी दवा के लिए घर जाने को कहा। वहीं कांग्रेस ने पूछताछ को लेकर अलग ही दावा किया है। वहीं देश विदेश की अगली बड़ी खबर आपको दे दें कि देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। वे इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। एनडीए प्रत्याशी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराया है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरों की। बड़ी खबर, डोटासरा बोले ईडी लगती है बीजेपी की मौसी। कहा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को हाथ लगाया तो मोदी और अमित शाह को श्रीलंका की तरफ भागना पड़ेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हम तुम्हारी ईडी से डरने वाले नहीं हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि जिस दिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाथ लगाने का प्रयास किया गया तो देश में ऐसा आक्रोश पैदा होगा कि मोदी शाह और श्रीलंका की तरह देश छोड़कर भागना पड़ेगा। मोदी जी, हम सावरकर नहीं है जो अंग्रेजों से डर कर माफी मांग लेंगे और पेंशन करा लेंगे। हम गांधी जी के अनुयायी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 10 से 12 साल जेल में रहे। विदेश के धनाढ्य लोगों में थे। कपड़े भी विदेशों से धुल कर आते थे। डोटासरा ईडी ऑफिस के घेराव के मौके पर हुई सभी सभा में बोल रहे थे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में महंगी हुई बिजली, फ्यूल सरचार्ज वसूली के चक्कर में अगस्त और सितंबर का बिल आएगा ज्यादा। राजस्थान में बिजली महंगी हो गई है। फ्यूल सरचार्ज के तौर पर 24 पैसे प्रति यूनिट की रेट घरेलू कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजली कंज्यूमर से वसूली होगी। इसका सीधा असर राजस्थान प्रदेश के करीब 1,30,00,000 कंज्यूमर्स पर पड़ेगा। वहीं अगली बड़ी खबर, हाईटेक होंगे राजस्थान के किसान, ड्रोन मिलेंगे। राजस्थान सरकार खरीदेगी 40 करोड़ के 1,000 ड्रोन, कीटनाशकों और पेस्टिसाइड का छिड़काव कर सकेंगे। राजस्थान में किसानों के लिए सरकार 1,000 ड्रोन खरीदेगी। ड्रोन के जरिए किसान बहुत कम वक्त में अपने खेतों में सेफ इफेक्टिव तरीके से कीटनाशकों पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर सकेंगे। इससे कीड़ों मक्खियों और टिड्डियों से फसलों को बचाया जा सकेगा। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के कृषि बजट की रिव्यू बैठक में विभाग के अफसरों को जल्दी काम करने को कहा है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, एग्जाम अलर्ट को लेकर है। कोटा की 22 जुलाई को होने वाली परीक्षाएं स्थगित हो चुकी हैं, अब 29 अगस्त को होंगी। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा की 22 जुलाई को होने वाली 3 पारियों की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। वीएमओयू के इंचार्ज सुरेश यादव ने जानकारी दी है और बताया कि ये परीक्षाएं अब 29 जुलाई सोमवार को समान पारियों में होंगी। वहीं अगली बड़ी खबर, पत्नी को पसंद नहीं था भाई बहन का प्यार, इसीलिए करवाया बुरा काम। आटा साटा में हुई थी शादी, बॉयफ्रेंड के साथ प्लान बनाया, पहले भी किया था कई बार हमला। जोधपुर में मौसेरे भाई बहन की मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस मामले में जोधपुर पुलिस ने बुधवार शाम मृतक रमेश की पत्नी गुड्डी को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक स्थान में जांच में ये सामने आ चुका है कि गुड्डी की आटा साटा प्रथा के तहत शादी हुई थी, लेकिन उसके पति रमेश के साथ कभी नहीं बनी। आरोपी गुड्डी को पति और ननंद कविता का साथ भी पसंद नहीं था। दोनों के साथ ही अक्सर लड़ाई होती रहती थी, तो पहले भी उन पर कई बार वो हमला करवा चुकी थी। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के लाखों स्टूडेंट्स को मिलेगी राहत। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बार बार नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। सरकार शुरू कर रही है वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। राजस्थान सरकार द्वारा युवाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल तैयार किया जा रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकेंगे। उसके बाद राजस्थान के सभी सरकारी विभागों में युवाओं की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए युवाओं को इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी सौगात, जोधपुर में बनेगी 14 करोड़ की लागत से पैरा खेल अकादमी, शिक्षा की भी होगी व्यवस्था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पैरा खिलाड़ियों को बड़ी सौगात प्रदान की है। पैरा खिलाड़ियों के लिए जोधपुर में खेल अकादमी बनेगी, इसके लिए 14 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। इस पैरा अकादमी में खेल के साथ शिक्षा की व्यवस्था रहेगी। आपको बता दें कि इसकी घोषणा सीएम अशोक गहलोत ने अपने बजट में की थी।
वहीं अगली बड़ी खबर रीट परीक्षा 2022 को लेकर है। अभ्यर्थी रोडवेज बसों में 26 जुलाई तक कर पाएंगी निःशुल्क यात्रा, निजी बसों को भी कर रहे हैं अधिकृत। राजस्थान में 23 और 24 जुलाई को रीट परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों के लिए 21 और 26 जुलाई तक रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, रेलवे स्टेशन पर अब कुल्ली से सामान उठाना हुआ महंगा, एक ट्रिप के देने पड़ेंगे 20 रुपये अतिरिक्त। रेलवे स्टेशन पर अब कुल्ली से सामान उठाना महंगा पड़ेगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने अपने शहरों रेल मंडलों के 545 रेलवे स्टेशनों पर कुलियों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी कर दी है। अब न्यूनतम मजदूरी 70 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये कर दी गई है। ये मजदूरी 40 किलो के लगेज पर है। इसके बाद जैसे जैसे सामान का वजन बढ़ेगा या लगेज की संख्या ज्यादा होगी तो मजदूरी भी उस अनुपात में बढ़ेगी। लेकिन अब कुली से सामान उठवाने पर यात्री को न्यूनतम 90 रुपये देने होंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, 5 लाख नए सदस्य किसानों को मिलेगी फसली ऋण। सहकारी बैंकों में 500 से अधिक कार्मिकों की होगी भर्ती, सुरेख गुहा। राजस्थान में किसानों के लिए अच्छी खबर है। गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत 5 लाख नए सदस्य किसानों को फसली ऋण मिलेगा। वहीं सहकारी बैंकों में 500 से अधिक कार्मिकों की भर्ती होगी। इस बात की जानकारी आपको बता दें कि श्रेया गुआ ने दी है। ये राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।